So very good afternoon, all of you. बेटे, we are doing environment and sustainable development. ठीक है, तो हम उस पे आए थे state of India's environment. तो उस दिन हमने इंडिया के environment की जो state है उसमें सबसे पहले हमने ये बताया कि इंडिया में जो resources हैं या जो environment है उसका data एक तरह से हमने देखा कि इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, है ना. सॉइल की बात करें, रिवर्स की बात करें, ट्रिब्यूटरीज की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, मिनरल डिपॉजिट्स की बात करें, इंडिया हैज एम्पल ऑफ ऑल दैट. पर्टिकुलरली ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लेटो में, दैट इज सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, जिस करके वहां पर इंडियन वहां पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेटेड है. ठीक है, फिर जो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया के फॉरेस्ट जो है उसमें भी मेजॉरिटी जो है, इवन दो दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे प्रोवाइड ग्रीन कवर for majority of its population and natural cover for its wildlife. जितनी हमारी देखो बेटे biodiversity है, wildlife है, वो तभी sustained रहेगी अगर हमारे पास forest area रहेगा. जैसे जैसे forest कम होते जाएंगे हमारी जो wildlife है वो भी कम होती जाएगी. फिर iron ore, coal, natural gas, ये सब इनका reserves बहुत ज्यादा है. ठीक है, लेकिन इंडिया में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, जिसका प्रेशर हमारे रिसोर्सेज के ऊपर पड़ता जा रहा है. अब हमारे रिसोर्सेज इनफिनाइट तो है नहीं है, कोई भंडार तो लगा नहीं हुआ है. चाहे हम वी आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट स्टिल द रिसोर्सेज आर फिनाइट. फिनाइट मीन्स काउंटेबल है बेटे, ऐसा नहीं कि कभी खत्म ही नहीं होंगे, फिनाइट है, इनफिनाइट नहीं है. तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज उसका बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो पड़ रहा है फिनाइट नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर. इसके अलावा ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के ऊपर, ठीक है, और उनके वेलबींग के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है. ठीक है, लेकिन मेन आते हैं, हमने जो स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया में जो मेन आंसर देना है वो क्या है, वो ये है कि जो इंडिया का एनवायरनमेंट है वो एक थ्रेट प्रोवाइड कर रहा है हमें. काहे की थ्रेट प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग ए थ्रेट ऑफ डाइकोटॉमी. ठीक है, डाई मीन्स टू, मतलब दो तरह की प्रॉब्लम्स, एक पैराडॉक्स हमारे आगे आके आ रहा है. एक हमारे ऊपर थ्रेट है किसकी, पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की. अब आप बोलोगे मैम पॉवर्टी और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्या रिलेशन है, है कोई रिलेशन पॉवर्टी का एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन से क्या रिलेशन है? बेटे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, एज अ रिजल्ट पीपल Poor people, they cannot afford, LPG cylinder to cook their food. So how do they manage? वो fuel wood लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आसपास एरिया से फॉरेस्ट जाते हैं, लकड़ियां काट के ले आते हैं. तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो रहा है, हमारा environment डिग्रेड हो रहा है. क्यों डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि इंडिया में गरीबी है. So on the one hand, environment is being polluted because of population in India, and secondly, at the same hand, there is a threat of, who has joined, just a minute. Okay, threat of pollution from effluent. Effluent ka matlab kya hota hai? Effluence कह लो, effluence and rapidly growing industrial sector.
हमारे इंडिया में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है, तो इंडस्ट्री उसके करके हमारी इन्वायरमेंट को थ्रेट है, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड। बेटे जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रीज को इनपुट चाहिए, इनपुट कहाँ से आना है, इन्वायरमेंट से आना है, ठीक है। तो अब जितना ज्यादा रिसोर्स एग्जॉस्ट करते जाओगे, रिसोर्सेस को वो यूज करते जाओगे, उतना ज्यादा वो एग्जॉस्ट होता जाएगा, तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होगी। सेकेंडली जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगे उससे एनवायरनमेंट पल्यूट भी होगा, रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो रहे हैं और एनवायरनमेंट भी पल्यूट हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू एफ्लुएंस। एफ्लुएंस होता है रिचनेस, हमारे जो अमीर लोग हैं ठीक है वो इतनी कंजम्पशन कर रहे हैं ठीक है, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ नेशन, मतलब एक तरफ समझो डाइकोटॉमी क्या है, डाइकोटॉमिक मींस एक तरह से पैराडॉक्स है, एक तरफ गरीबी के करके एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, दूसरी तरफ अमीरी के चलते एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। समझ आ गया इन सिंपल वर्ड्स, सो यू हैव टू राइट इट इन टेक्निकल टर्म्स। देयर इज अ थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एज वेल एज थ्रेट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस एंड रैपिडली डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्शन, ठीक है। इंडिया में एयर पोल्यूशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के क्या क्या है प्रायोरिटी जो इश्यूज गवर्नमेंट ने इन आइडेंटिफाई किए हैं, दीज आर लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। लैंड डिग्रेडेशन समझ हो आ गया ना आपको, क्या मतलब लैंड डिग्रेडेशन का, मतलब लॉस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। बायोडाइवर्सिटी लॉस मीन्स बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो भी वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मरीन लाइफ है, बर्ड्स हैं, इनका लॉस हो रहा है, ये लोग मर रहे हैं, एक्सटिंक्शन पे जा रहे हैं, वो है एयर पोल्यूशन। देन मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे जो एरियाज हैं ये हमने प्रायोरिटी बेसिस पर आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, ओके। देन बेटी ये बॉक्स वाली इंफॉर्मेशन आपने खुद पढ़ लेनी है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे आते हैं, ये पढ़ लेना बेटे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया में, क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस टू मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन इंडिया, दैट इज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, द गवर्नमेंट सेट अप सीपीसीबी। हमारी गवर्नमेंट ने सीपीसीबी, फुल फॉर्म क्या है इसकी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किया है 1974 में। बेटे ये डेटा लिखते जाना है आपने, ठीक है। 1974 में ये बोर्ड सेटअप किया गया था। दिस वॉज फॉलोड बाई स्टेट्स इस्टेब्लिशिंग देयर ओन स्टेट लेवल बोर्ड्स टू एड्रेस ऑल दी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है। इसके बाद हर स्टेट ने, जैसे पंजाब में पीपीसीबी सेटअप किया होगा, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, हर स्टेट ने अपने स्टेट लेवल के बोर्ड सेटअप किए अपने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। दे इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट एंड डेसिमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन। ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेचुरली आपको कैसे पता चलेगा किसी प्रॉब्लम का, जब तक आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे। उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किस किस किससे रिलेटेड, वाटर एयर एंड लैंड पोल्यूशन जो है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, डेसिमिनेट मीन स्प्रेड करते हैं। देन दे सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर यू नो सीवेज एमिशन, जो भी पोल्यूशन, जैसे एयर पोल्यूशन है तो कितना स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि कितना आप, किस एक्सटेंट तक आप एयर पोल्यूशन कर सकते हो, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आपकी धुआं निकल रहा है आपकी फैक्ट्री की चिमनी में से, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना तक जा सकता है। इन दिस वे दे सेट अप द स्टैंडर्ड्स। सो दे ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग क्लैनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स बाय प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये गवर्नमेंट को टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है, जैसे रिवर्स की सफाई है, जैसे गंगा अभियान चला था पीछे, गंगा सफाई का अभियान, इसी तरह बेटे हर रिवर इंडिया की गंदी है, गंगा बींग यू नो
क्या कहते हैं उसको, हमारे लिए एक रिलीजियस है रिवर, उसके साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यूज अटैच्ड हैं, तो उसका हमने ज्यादा एक वो किया, लेकिन हर रिवर पोल्यूटेड है आज। तो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो गवर्नमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रीम्स को साफ कर सकते हैं, वेल्स की साफ सफाई रख सकते हैं, और उनको तरीके बताते हैं कि इन फ्यूचर हम कैसे वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, सो दीज बोर्ड्स ऑल्सो कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन एंड देयर प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट। ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, उससे रिलेटेड ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कोई और करता है, उसको स्पॉन्सर भी करते हैं, देन दे यू नो उसको अबेट करने की, अबेट मीन्स रोकने की कोशिश भी करते हैं। दे ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया कॉम्प्रिहेंसिव मास अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द सेम। मास मीडिया किसको बोलते हैं, जैसे टीवी एक मास मीडिया का साधन है, ठीक है, सो मास मीडिया के थ्रू ये लोगों तक रीच करने की कोशिश करते हैं। दे प्रिपेयर मैनुअल्स, कोड्स, गाइडलाइंस रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंस। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि कई बार ये आ जाता है, चलो अब वन मार्कर्स तो है नहीं सिलेबस में, बट इवन देन सीपीसीबी बोर्ड सेटअप इन इंडिया 1974 और इसके मेन फंक्शंस क्या है। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की बात करें हम तो पहली 10 इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज में इंडिया एक है, बट वी आर हैप्पी विद द स्टेटस ऑफ इंडिया, बट देन इसके साथ साथ कुछ हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी आए हैं। अर्बनाइजेशन आ गई, अर्बनाइजेशन समझते हो, पीपल्स टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। उसके अलावा पोल्यूशन एंड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, ऑल दीज थिंग्स हैव कम अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। इज इट क्लियर? ओके, देन सीपीसीबी हैज आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री एज सिग्निफिकेंटली पोल्यूटिंग। सीपीसीबी ने 17 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें मीडियम एंटरप्राइजेस भी आती हैं, लार्ज एंटरप्राइजेस भी आती हैं। ये 17 इंडस्ट्रीज वो कहता है कि सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है। ठीक है, सो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है और सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स हैं, दे मे नॉट यील्ड रिवॉर्ड्स अनलेस वी कॉन्शियसली अडॉप्ट ए पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप बोलो कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री बना दी है अलग से एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और फिर हमारे सेंट्रल पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हर स्टेट लेवल पे एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, बहुत हो गया। लेकिन बेटे जब तक हम लोग कॉन्शियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशंस, द कंसर्न फॉर द फ्यूचर जनरेशंस अलोन कैन मेक द डेवलपमेंट लास्ट फॉर एवर। अगर हमें थोड़ा सा कंसर्न होगा कि हमारी आने वाली जनरेशन कैसे डेवलपमेंट करेगी, ओनली देन हम इसके बारे में कुछ कर पाएंगे। अगर हम कह रहे हैं हम क्या करें, हम तो डेवलपमेंट कर लें, देखी जाएगी, बच्चे अपना अपने आप देखेंगे, हमें इनसे क्या लेना देना। इन दैट केस हमारी डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं रहेगी, उस पर फुल स्टॉप आ जाएगा। लेकिन अगर हम कंसर्न दिखाएंगे तो दैट डेवलपमेंट विल बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, वॉट एग्जैक्टली इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एनी वन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किसको बोलते हैं बेटे, मालूम है किसी को? एनीवन रेज योर हैंड। सो बेटे टुडे द डेवलपमेंट विच इज टेकिंग प्लेस, डेवलपमेंट की दौड़ में हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेस को टैप कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और एक्सप्लॉइट इज, आई एम नॉट टॉकिंग एक्सप्लॉइटिंग इन नेगेटिव सेंस, एक्सप्लॉइटेशन टर्म हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं आती है,
एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मतलब या मेकिंग यूज ऑफ इट, बट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर लेट अस से आपके पास एक कपड़ा है, आप उसमें से 10 चीजें बना सकते हो, 10 शर्ट्स बना सकते हो, लेकिन आप कहते हो मेरे को 4 ही शर्ट्स चाहिए, तो आपने वो बाकी का कपड़ा वेस्ट करके फेंक दिया 4 शर्टें बना के। अब आपके पास ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है कपड़ा, आपने इसको वेस्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन जिसको चाहिए था उसके हिस्से तो कुछ नहीं आया। अगर आप उसको यूज करके अपनी शर्टें निकाल के बाकी का उसको दे देते तो वो भी यूज कर पाता, लेकिन आप नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? जब भी आपके पास किसी चीज का एक्सेस होता है ना, आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाओगे, है ना। आपके पास अगर नोटबुक है, खत्म होने वाली है, और 10 नोटबुक खाली और पड़ी है, तो आपका जो 2-4 पेजेस रह जाएंगे, आप तभी नहीं लगा लोगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास नोटबुक और नहीं है, तो आप वो 2-4 पेजेस जो उसको बड़े ज्यूडिशियसली यूज करोगे, करोगे कि नहीं? सो सेम हैज हैपेंड विद अस। आवर कंट्री वॉज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, एज अ रिजल्ट वी नेवर अंडरस्टूड दैट सम ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, दे विल नॉट बी गिवन बैक टू अस बाय द नेचर, और दे विल टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू रीजनरेट, ठीक है। सो व्हाइल वी स्टार्टेड अवर डेवलपमेंट प्रोसेस, हमारे आगे एक ही एम था, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करनी है, तभी डेवलपमेंट हो पाएगी, ठीक है। सो वही हमारा एक फोकस रहा, डेवलपमेंट, पैसा कमाना है, ठीक है। तो उस फोकस में हम कहीं ये भूल गए कि भाई हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे, हमारे आने वाली जनरेशन, इनपुट है तो आउटपुट आएगा, आने वाली जनरेशन के लिए कोई इनपुट रहेगा ही नहीं, आप सारा कुछ नेचर में से उठा लोगे अभी, तो आने वाली जनरेशन कैसे डेवलपमेंट करेगी? सेकेंडली, क्योंकि डेवलपमेंट फोकस थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा बड़ा, उसने इतनी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट की, है ना। मेन जो कॉन्ट्रीब्यूटर है बेटे एयर पोल्यूशन का, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना। तो उसके चलते हमारे 2 प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंट पोल्यूट हुआ, रिसोर्सेज डिप्लीट हुए, तो उसके क्या नुकसान पड़ेंगे? आने वाली जनरेशन डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगी, सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, आने वाली जनरेशन इट विल बी बॉर्न विद डिफॉर्मिटीज, इतनी पोल्यूशन में जो मदर अपने वूम में एक बेबी कैरी कर रही है, तो उसका कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उस बेबी के ऊपर, ठीक है। और आने वाली जो टाइम्स है वो और भी बहुत ज्यादा सीरियस है। सो वी रियलाइज्ड दिस प्रॉब्लम, नॉट ओनली वी इंडियंस, ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट रियलाइज्ड दिस प्रॉब्लम, दैट द डेवलपमेंट विच इज टेकिंग प्लेस टूडे इज नॉट सस्टेनेबल। सो न्यू कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इमर्ज्ड एंड इकोनॉमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउ फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंप्लाइज इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, ठीक है। वी आर फोकसिंग, डेवलपमेंट है ना बेटे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पर है तो डेवलपमेंट ना, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होती है? अ प्रोसेस। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ राइज इन पर कैपिटा इनकम, ये डेवलपमेंट, बट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? फ्यूचर जनरेशन के ऊपर भी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग यू नो नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। हम चाहते हैं इस तरह से एनवायरनमेंट हो, सॉरी इस तरह से डेवलपमेंट हो कि हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों की पर कैपिटा इनकम बढ़े, साथ ही साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना हो और हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट भी पल्यूट ना हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
इसमें भी बेटे आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए. एक तो है द सेमिनल रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसने ये ऊपर वाली डेफिनेशन दी थी, ठीक है. दैट एक्सप्लेन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मीटिंग ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ऑल एंड एक्सटेंडिंग टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू सेटिस्फाई देयर एस्पिरेशंस फॉर अ बेटर लाइफ. ठीक. सो ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन है, ना भी करोगे इवन देन इट विल बी ओके. Then the Brundtland Commission emphasizes on protecting the future generation. ठीक है, ये आपको कई बार आ जाता है, ये जो commission है इसका purpose क्या है. So Brundtland Commission एक थी, it emphasizes on protecting the future generation. This is in line with the argument of environmentalists who emphasize that we have a moral obligation to hand over the planet Earth in good order to the future generation. ठीक है, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो, ये इनका ये मानना है कि भाई हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें जिस तरह से हमारा प्लेनेट अर्थ मिला है ना, उसी ऑर्डर में हम इसको फ्यूचर जनरेशन को हैंड ओवर करें. अपने दिल से पूछो, क्या आपको ऐसा हैंड ओवर हुआ? क्या आपकी फ्यूचर, आपकी प्रीवियस जनरेशन ने आपको अपना अर्थ उसी कंडीशन में दिया? नहीं दिया. आपने कभी सुना अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को कहते हैं हमारे टाइम पे इसका स्वाद ही कुछ और हुआ करता था, हमारे टाइम पे हम ये गन्ने खाते थे, हमारे टाइम पे हम ऐसे करते थे, है ना, हमारे टाइम पे ये धुआं नहीं होता था, हमारे शुद्ध चीज खाते होते थे हम, ऑयल घी ऐसा होता था, सुना ना, दूध ऐसा होता था. लेकिन आज ऐसा नहीं है ना, इसका मतलब उन्होंने अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की. तो आप लोग देखो, आप लोग एक्टिवा उठाते हो, बाइक उठाते हो, कार उठाते हो, बिना रीजन के गेड़ी मारने चले जाते हो, आप क्या कर रहे हो? आप जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्स है उसको बिना वजह यूज कर रहे हो, आप अपनी एयर में पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो. आर यू फुलफिलिंग योर ऑब्लिगेशन? आप सोचो, हम तो बच्चे हैं, हमारा क्या एनवायरमेंट से लेना देना, हम क्या कर रहे हैं? बेटे जब आप एक टैब खुली छोड़ देते हो, आप अपनी मॉरल ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे. जब आप अननेसेसरली स्कूल में पूल करके आ सकते हो, नहीं आ रहे हो, अलग अलग आ रहे हो, गेड़ियां मार रहे हो, आप अपनी मॉरल ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे. ठीक है, आप जब अब बर्थडे के ओकेजन पे केक्स खाने की बजाय एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हो, आप अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहे. जहां पर वेस्टेज है वहां पर आप अपने प्लेनेट अर्थ को हर्ट कर रहे हो. ठीक है, सो इट्स अवर ड्यूटी कि हमारी एक्चुअली जो एटलीस्ट आने वाली जो जनरेशन है, तो उसको हमने जैसा अपना लैंड इनहेरिट किया था, कम से कम हम तो उनको वैसा देकर जाए. ठीक है, सो एनवायरनमेंट के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज रहेंगी. कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं? सी, डू यू वॉन्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डू यू वॉन्ट द डेवलपमेंट विच वुड लास्ट यू फॉर एवर, विच वुड नॉट हार्म योर फ्यूचर जनरेशन, विच विल नॉट हार्म योर नेचुरल एनवायरमेंट? वुड यू वॉन्ट अ फ्यूचर कि आप खांसते रहो, ब्रोंकाइटिस हो जाए आपको, आप इतना गंदा घर से बाहर निकलो और आप पर धुआं पड़े, आपको ऐसा चाहिए? या आप, डू यू वॉन्ट कि आपके आने वाली जो जनरेशन है वो घर से बाहर ही ना निकल पाए, हमेशा ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करे? जो आपने एक दो साल अटेंड किए, यू कैन सी हाउ एडवर्सली अफेक्टेड यू आर, है ना? वी डोंट वॉन्ट दैट. सो देयर शुड बी सम स्ट्रेटजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नंबर वन, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. देयर आर जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी? कैन एनीवन टेल मी? नहीं, नाम बताओ मेरे को, कोई एक दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नाम बताओ मेरे को कोई. ओके ओके, दिस साइड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और कोई? ये आप दोनों यूज नहीं करते हो, फिर भी आप उसकी एग्जांपल दे रहे हो, आप कौन से यूज करते हो? बेटे कोल, पेट्रोलियम, ये सब सोर्सेज हैं एनर्जी के, फ्यूल,
है ना, वुड, एनिमल वेस्ट, ये सब जहां से आपको बेटे हीट मिलती है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वुड से, काउडंग से, कोल से, पेट्रोलियम से, है ना, जो आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करता है, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेसिकली दो तरह के होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, हम उनको कैटेगराइज करते हैं कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल, जैसे कोल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स, ये कन्वेंशनल है. नॉन कन्वेंशनल जो कि रीसेंट ओरिजिन के हैं, रीसेंट ओरिजिन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है ना, ये रीसेंट ओरिजिन के. ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है ना, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते. सो फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज स्विच टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे हमारे पावर प्लांट्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो जनरली इंडिया में थर्मल और हाइड्रो हैं. थर्मल कोल बेस्ड, हाइड्रो वाटर बेस्ड, बोथ क्रिएट पोल्यूशन, इनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं. सो इफ वी थिंक ऑफ यू नो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ, सोलर से अगर हम रन करें, बायो मास से करें, जियो थर्मल एनर्जी करें, तो ये नॉन, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नॉन पोल्यूटिंग है, ठीक है. सो वी शुड मेक यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इफ वी वॉन्ट टू अचीव सस्टेनेबल डिवेलपमेंट, ठीक है. सो बेटे बाकी के हम पॉइंट्स कल कर लेंगे, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट चैप्टर विच इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस.